नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आपका हमारे YouTube चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप अपने किसी फोल्डर या फाइल को आप लॉक कर सकते हैं। मतलब आपने किसी फोल्डर या फाइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फाइल को कोई ना रिनेम कर सकता है, ना ही कोई इस फाइल में चेंज कर सकता है और ना ही कोई इसको डिलीट कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जैसे मेरे पास कोई फाइल मान लीजिए, जैसे मेरे पास एक PDF फाइल है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना होता है, इसमें लॉक लगाना है। तो इसमें लॉक लगाने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद मुझे प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद ये कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आ जाएगा, इसमें जनरल है, सिक्योरिटी डिटेल्स है। तो मुझे सिक्योरिटी के टैब में जाना है। ओके, जैसे मैं सिक्योरिटी टैब में जाता हूँ, इसके बाद नीचे ग्रुप और यूजर नेम लिखा है। इसमें आपको तीन दिए हुए, सिस्टम दिया है और आपका जो यूजर वो दिया गया हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला दिया है। तो मुझे इसमें थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। थर्ड वाले ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मुझे एडिट पर जाना है, इसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसमें जो आपको अलाउ करना है अलाउ कर सकते हैं, जो हटाना चाहे हटा सकते हैं। मैं ऑल कर देता हूँ, फुल कंट्रोल कर देता हूँ। तो मैंने फुल कंट्रोल कर दिया है। अब इस पर अपना कुछ कर सकते हैं, परमिशन दिया हुआ है यहाँ पर, किस चीज़ की परमिशन देनी है। तो मैं सबको हटा दिया, कोई परमिशन मैंने, वो सब सिक्योरिटी पूरी हो गई है। तो इसके बाद इसको आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, इसको कंटिन्यू यस कर देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक, इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ये ओके कर दिया। अब ये ना आपकी फाइल ओपन होगी, दिखा देते आपको। देखिए, ये देखें करके दिखाते आपको। जैसे फाइल को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये देखिए फाइल ओपन नहीं होगी, दे दिया है एरर, दे रहा है आपको, एक ओपनिंग का एरर दे रहा है। एक्सेस में ये आपकी फाइल एक्सेस नहीं होगी इस टाइम। क्लोज कर दीजिए और इसको आप चाहे रीनेम करें तो ये फाइल रीनेम भी नहीं होगी। इससे आप कोई भी फाइल रीनेम डाल करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो ये फाइल ना ही रीनेम होगी। चाहे कंटिन्यू कर देखिए, कुछ नहीं होगा, ट्राई अगेन आ रहा है। देखो कि इस फाइल को परमिशन नहीं है, आपकी फाइल पूरी सेव है, पूरे प्रोटेक्ट, पूरी तरह से लॉक हो चुकी है फाइल। और चाहते इसको बाई चांस किसी ने चाहे सोचा फाइल डिलीट कर दें तो ये फाइल डिलीट भी नहीं होगी। चाहे आप डिलीट कर दे सकते हैं, राइट क्लिक करिए, डिलीट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, परमिशन खुद मांग रहा है। आप जब डिलीट करेंगे तब भी ये फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी। तो ये आपकी फ़ाइल किसी भी तरह से आपकी डिलीट हो सकती है। कोई भी आपकी फ़ाइल को ना ही कुछ चेंज कर सकता है, ना ही ओपन कर सकता है और ना ही रीनेम कर सकता है, और बल्कि इसको कोई डिलीट तक ही नहीं कर सकता है। तो इस तरह ये आपका मतलब कि जो फोल्डर और फाइल लॉक करने का फंक्शन बताया है, इसी तरह आपको फोल्डर लॉक भी काम करता है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे मैंने, देखिए ये पिक का फोल्डर है, इसको मुझे लॉक करना है, तो आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिक्योरिटी पर टैब में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स एडिट करेंगे और ऑल पर फुल कंट्रोल कर देंगे। ठीक, फुल कंट्रोल करते ही आपके सारी परमिशन इसमें हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको अप्लाई करके कंटिन्यू ओके कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, तो ये देखिए ये आपके आपके फोल्डर है, ये ओपन हो गया है। बस की फाइलें, ये देखो ऊपर कुछ मांग रहा है ओपन के लिए। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इसमें इसके बाद बताते हैं। वैसे सॉरी लगता है, इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया है। आप दोबारा जाएंगे, प्रॉपर्टी भी जाएंगे, सिक्योरिटी भी जाएंगे। हाँ ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, सिस्टम को सेलेक्ट किया था, इसको इसको हटा देंगे, फुल कंट्रोल है, इसको हटा देते हैं हम, सबको ठीक करा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे नहीं, इसमें जाना था एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना था,
और यहाँ मुझे अलाउ करना था एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ये मैंने दिया ओके कर दिया। ओके ओके हाँ, तो ये देखिए ये इस तरह कुछ काम करेगा। जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये आपको जो परमिशन दे रहा है, परमिशन एक्सेस करने का बोल रहा है कि इसकी आपको परमिशन नहीं है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह ये लग सकता है, और इसको हटाने के लिए भी आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा दोबारा। वाइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे जाएंगे, एडिट करेंगे, और उसके बाद आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर पे, फुल कंट्रोल को हटा देना है, सबको टिक हटा देना, इसके सब सारे टिक हटा देना है। सारे टिक को मैंने हटा दिया हुआ है, इसको ओके कर दिया। ठीक, तो ये आप देखेंगे ये आपका ये फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। ये तो कुछ तरह ओपन हो गया है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।